रामपुर गांव में सावित्री नाम की बूढ़ी औरत अपने बेटे मोहन, बहू नैना और पोते बिट्टू के साथ रहती थी। सावित्री भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वो सारा दिन शिव की भक्ति में ही लीन रहती थी। बिट्टू भी स्कूल से आने के बाद अपनी दादी के साथ शिव की पूजा अर्चना में लगा रहता। मोहन खेती करके अपना घर चलाता था। खेती करके वो ठीक ठाक कमा लेता था। नैना को सावित्री फूटी आंख नहीं भाती थी। उसे हमेशा सावित्री अपने ऊपर बोझ ही लगती थी। दरअसल सावित्री की बहू नैना बहुत ही तेज तर्रार महिला थी। वो कभी भी सावित्री से सीधे मुंह बात नहीं किया करती थी। मोहन भी अपनी बीवी के रंग में रंग चुका था। वो भी हमेशा अपनी माँ के आगे झूठे आंसू बहाकर अपनी गरीबी का रोना रोता। एक दिन सावित्री पूजा पाठ कर रही होती है। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। तभी मोहन काम पर जाने के लिए निकलता है तो सावित्री उससे कहती है कि अरे जरा ठहरो बेटा, प्रसाद तो लेते जाओ। जल्दी करो माँ, मुझे बहुत देर हो रही है। जल्दी का काम शैतान का होता है बेटा, आराम से जा। और तभी वहाँ नैना आ जाती है और कहती है, आराम से तो इस घर में बस आप ही रहती हो माँ जी, अगर ये घर पर बैठ गए तो घर कैसे चलेगा। आप जल्दी जाओ जी, आपको देर हो रही है ना। माँ जी को खुद तो कुछ काम है नहीं, सारा दिन शिव जी के आगे घंटी बजाने के अलावा। सावित्री को नैना की बातों का बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ कह नहीं पाती। मोहन भी अपनी बीवी को कुछ नहीं कहता है और काम के लिए निकल पड़ता है। बिट्टू चुपचाप वहाँ खड़ा होकर सब सुन रहा होता है। माँ जी, आप सारा दिन पूजा पाठ में लगी रहती हो, कभी घर का भी कुछ काम कर लिया करो, मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। ठीक है बहू, लाओ मैं झाड़ू लगा देती हूँ। झाड़ू मैंने लगा दिया है, आप रसोई में जाकर बर्तन मांज लो और उसके बाद कुछ कपड़े पड़े हैं उन्हें भी धो देना। उफ, मेरी कमर तो बहुत दुख रही है, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। सावित्री चुपचाप रसोई में जाकर बर्तन धोने लग जाती है। इसके बाद सावित्री रोज सुबह उठकर घर के काम काज करती और उसके बाद शिव भक्ति में मगन हो जाती। एक दिन सावित्री अपने बेटे से कहती है कि बेटा, तुम तो जानते हो कि सावन का महीना शुरू हो गया है और अब कावड़ की यात्रा भी शुरू हो जाएगी। हमारे गांव के लोगों ने कावड़ियों के लिए सेवा सदन बनाया है जिसमें सभी कुछ न कुछ दान कर रहे हैं। अगर हम भी शिव जी के नाम पर उनके भक्तों की सेवा में कुछ दान करते तो। ये कैसी बात कर रही हो माँ, हमारे पास दान पुण्य करने के लिए फालतू पैसे नहीं है। मैं खेत में दिन रात मेहनत करके कमाई करता हूँ और वो हम सब के लिए, ना कि बाहर वालों को बांटने के लिए। आई बड़ी दान करने वाली, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं। बेटे बहू की बातें सुनने के बाद सावित्री भारी मन से उनके कमरे से चली जाती है। बाबा, आप दादी को कुछ पैसे दे दो ना, देखो ना वो कितनी उदास लग रही हैं। चुप कर, तू बड़ों के बीच मत बोला कर, जा पढ़ाई कर। उधर सावित्री के प्रति उसके बेटे बहू के अत्याचारों को देखकर माँ पार्वती को बहुत बुरा लगता है और वो शिव जी से कहती है कि हे प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है, जो भक्त आपकी इतनी भक्ति करता है उसको इतने दुखों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। मुझसे उसकी ये पीड़ा देखी नहीं जा रही, क्या आपको नहीं लगता कि आपके भक्तों को आपकी आवश्यकता है। देवी, आवश्यकता तो हर मनुष्य को हर समय होती है, लेकिन उसे पूरा कैसे करना है ये मनुष्य के अपने हाथ में ही होता है। विधि के विधान में सबका भाग्य लिखित है, थोड़ा सब्र करो। इधर नैना और मोहन अपने कमरे में बैठे होते हैं कि तभी नैना मोहन से कहती है, सुनो जी, मैं सोच रही थी कि बहुत समय से हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए, अब तो बिट्टू के स्कूल की छुट्टियां भी पड़ गई हैं और फिर पिछली फसल से हमें काफी अच्छा मुनाफा भी हुआ है, तो क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घूम कर आए। अरे तुम्हारा हुक्म सराखों पर मेरी जान, जैसा तुम कहो, पर इस बार की फसल भी हमारी काफी अच्छी तैयार हो रही है, तो पीछे से खेतों की देखभाल कौन करेगा। माँ जी और कौन, देखो अब माँ जी तो इस उम्र में कहीं आ जा नहीं सकती, तो क्यों ना हम उन्हें खेतों की देखभाल के लिए छोड़ दे। खेत में बने झोपड़ी में ही वो रह लेंगी, अपना खाना बनाना पूजा पाठ सब वहीं करती रहेंगी, साथ ही खेतों की देखभाल भी हो जाएगी। मोहन अगले ही दिन सावित्री का सारा सामान उस झोपड़ी में रख देता है और अपने आप घूमने के लिए चले जाते हैं। सावित्री जैसे तैसे अपना गुजारा करने लगती है और अब वो पहले से भी ज्यादा शिव भक्ति में लग जाती है। उधर पार्वती माँ शिव जी से कहती है कि प्रभु, अब तो आप अपने उस भक्त की मदद कीजिए, मुझसे उसकी ऐसी हालत अब देखी नहीं जाती। अवश्य,
और तभी शिवजी एक भिखारी का भेष बदलकर सावित्री की झोपड़ी की ओर निकल पड़ते हैं। माता, बहुत दिनों से भूखा हूँ, बहुत भूख लग रही है। आपके खेत में जो भुट्टा लगा है मुझे वही दे दो, मैं पानी के साथ उनको चबा लूँगा। नहीं पापा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, इनको कच्चा कैसे खाएंगे? आप भीतर बैठिए, मैं आपको भुट्टे पका कर देती हूँ। सावित्री खेत से कुछ भुट्टे तोड़कर लाती है और उन्हें सेक कर भिखारी को देते हुए कहती है, मुझे माफ कीजिए, मेरे पास इसके अलावा आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। माता, किसी को सच्चे मन से और प्यार से अगर कुछ खिलाओ तो उसका पेट अपने आप भर जाता है। शिव जी को देखकर सावित्री बहुत ही खुश होती है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मैं कब से आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रही थी, आज आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया। सावित्री, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम्हें हमसे क्या चाहिए? प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप मेरे लिए यहीं पर एक मंदिर बना दे, जिससे कि मैं शांति से आपकी पूजा कर सकूं। भगवान शिव तभी वहां पर एक सुंदर से मंदिर का भव्य निर्माण कर देते हैं और स्वयं अंतर ध्यान हो जाते हैं। ये बात गांव में आग की तरह फैल जाती है और हर तरफ सावित्री के ही गुणगान होने लगते हैं। उधर मोहन और नैना बिट्टू के साथ घूमने गए होते हैं और वापस आते वक्त उनकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है। इसमें नैना की आंखों की रोशनी चली जाती है। मोहन नैना और बिट्टू को लेकर गांव पहुंचता है और जैसे ही उन्हें अपनी माँ के बारे में पता चलता है, वो जल्दी से अपनी माँ के पास जाते हैं और सावित्री से माफ़ी मांगने लगते हैं। नैना की हालत देखकर सावित्री को बहुत दुख होता है और वो शिवलिंग पर रखे जल को नैना पर छिड़क देती है। सावित्री के ऐसा करते ही नैना को सब दिखाई देने लगता है। नैना झट से अपनी सास के पैर पकड़ लेती है और फूट फूट कर रोते हुए अपने किए की माफ़ी मांगने लगती है। माजी, माजी, हमें माफ कर दीजिए, हमने जो सुलूक आपके साथ किया है वो माफी के लायक तो नहीं है, फिर भी हो सके तो हमें माफ कर दीजिए और हमारे साथ वापस अपने घर चलिए। हाँ माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने भी कभी तुम्हारी इज्जत नहीं की, अब हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, हम दोनों को क्षमा कर दो और हमारे साथ घर चलो माँ। हाँ दादी, चलो ना हमारे साथ। नहीं बेटा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब यही मेरा घर है, अब तो जो शेष जीवन बचा है उसे मैं अपने प्रभु के चरणों में ही गुजारना चाहती हूँ। और सावित्री उस मंदिर में रहकर ही दिन रात प्रभु की भक्ति में खोई रहती है। और एक दिन शिव जी को जल चढ़ाने के बाद सावित्री अपना सिर शिवलिंग पर रखती है और अपने प्राण त्याग देती है। सावित्री के बेटे बहू पूरे नियम से उसका क्रिया कर्म करते हैं। अब वो दोनों इस मंदिर में रोज पूजा पाठ किया करते हैं। धीरे धीरे उस मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल जाती है और भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। अब हर साल सावन के महीने में मोहन और नैना सावित्री के नाम से कांवड़ियों के लिए सेवा सदन का आयोजन करते हैं, जिसमें उनके रहने से लेकर खाने पीने और सारी व्यवस्था की जाती है